जोशीमठ से है 30 किलोमीटर आगे। और मैं आपको, मेरा यहाँ के, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आज मैं आपको ऐसी सभी चीजें दिखाने वाला हूं। अभी जस्ट जैसी मैं उठा तो व्हाट आई सी गाइस, शायद कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखो मेरा बिस्तर पूरा ऊपर से गीला हो गया है। एंड अभी हम रूम के अंदर है, एंड हम सो के, मैं उठाऊं एंड मैं देखा ऊपर से, तो ऊपर से पूरा बिस्तर में जैसे ओस टाइप की नहीं गिरी होती, तो सेम वैसे फील हो रहा है। अभी मैं आपको बाहर के नज़ारे सब कुछ दिखाऊंगा, ये पूरा घर दिखाऊंगा। लकी गाइस लुक एट दिस, लकी लकी भालू लकी। अब देखो मैं उधर आऊंगा तो ये उधर ही बैठ जाएगा मेरे सामने, लकी ना देखो कैसे आता है, कहना मानने के लिए नंबर वन एक्सरसाइज कर रहा है। खोल देख, इसको, खोल देख, खोल। हाँ कितना जबरदस्त लग रहा है। अभी 9 बज गए हैं गाइज, धूप पहाड़ों में आ रही है, ये गांव बीच में है तो अभी तक धूप यहाँ नहीं आई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल माउंटेन्स। कल रात को हम लेट पहुँचे सो वीडियो शूट नहीं हो पाया, एंड दिस इज लवली मॉर्निंग, माउंटेन्स, बर्फ, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पूरे बर्फ की चादरें हैं, एंड ये है सूरज जिसके घर में मैं आ रखा हूँ, मेरा दोस्त है। इनका मेन मार्केट है वो वहाँ है, यहाँ नीचे, वहाँ से यहाँ आने में हमें कल लगे 55 मिनट्स। एंड इतने दूर सारा सामान ये नीचे से लाते हैं, एंड तब भी देखना है इनका घर कितना अमेजिंग सा है, मतलब शहर के घर इनके घर के सामने पूरे फेल है। ये कद्दू होगा करीब 15 किलो तक का होगा, मैं तो उठा नहीं पाया इसको, काफ़ी हैवी है। क्या चो नमकीन चाहिए, नमकीन चाहिए हमारे यहाँ, इसे मानुषी या बुद्ध ही से बनाया जाता है, स्पेशल तेल डाला जाता है इसमें, और वो जो पहले चाय बनाते वक्त पत्ती डालते हैं ना उसे। हाँ और एक अच्छा, तभी घी खुशबान है ना, हल्का हल्का नमकीन हो रहा है ना, मैं तो बोला मैं नमकीन चाहिए, इसमें एक दूसरा चीज होता है सबको बोलते ना, सबको गेस्ट रूम है, ये सूरज की सिस्टर का कमरा है, ये एकदम अमेजिंग। कौन सोच सकता है यार, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मतलब पहाड़ों में, वो भी ऐसी पहाड़ियों में भी इतना जबरदस्त घर हो सकता है। ओ सो लुक एट दिस, सो गाइस जितने भी ये दिख रहे हैं ये सूरज के पापा ने खुद से बनाए हैं, हैंडक्राफ्ट हैं। एंड सूरज बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है मेरी तरह तो इसकी ट्रॉफीज देख सकते हो, जबरदस्त, एक नंबर। इसीलिए थोड़ा बोला कि मैंने इतना जबरदस्त घर किसी का हो सकता है पहाड़ में। अगर आपने इससे भी अच्छा घर या ऐसे घर कहीं देखा है तो मुझे बताना। यह है बैठक वाला कमरा, लाइट भी देख सकते होंगे एकदम, और जैसे हमने लाइट बोला तो लाइट चली गई है। तो आप बताना आपको कैसे लगा, और ये भी अभी लाइट होती तो मैं आपको बताता कैसे जलता है। दिस इज ऑल अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं इतनी हाइट, इतने पहाड़ों में इतना जबरदस्त घर तो मैंने कहीं देखा नहीं आज से पहले। सूरज इसके पीछे किसकी मेहनत है? मेरी मेहनत है जो भी किया है इसके पापा ने किया है।
पर भी काफ़ी 3-4 रूम हैं। एंड मैं इसलिए ये ज़्यादा मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज जो इनका मार्केट है वो यहाँ से बहुत ही दूर है, वहाँ से यहाँ आने में 45 से 50 मिनट लगते हैं, एंड सामान लाने में तो आप सोच ही सकते हो कितना टाइम लगता होगा। पहली बार आएगा उसे 1 घंटा भी लग सकता है। हाँ, 1 घंटा क्या ज़्यादा लगेगा, अगर कोई सामान के साथ आएगा तो उसे आधे रास्ते में 10 बार बैठना पड़ेगा। अभी हम जब नीचे जाएंगे तो मैं रास्ता भी दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को कि कैसे कैसे रास्ता है। रास्ता भी एकदम खतरनाक है। हाँ, छन्नी इनको ऑली जाने की क्या जरूरत है गाइस, जब इनके घर में बर्फ पड़ गिरती है क्या जबरदस्त होगा। तुम्हारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको खुम्बी। हमारे इसको बुखड़ी पलकुन बोलते हैं शायद। बिल्कुल हाँ जी, हाँ हाँ भी बोलो। मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको दिस इज कंडी, कंडी टायर वाली गाड़ी, दो टायर होते हैं ऐसे हैंडल होता है, यहाँ ऐसे भीड़ लगी रहती थी ना। अच्छा, साइड साइड में अपनी गाड़ी इधर निकाल। इसमें क्या ले क्या नहीं, कपड़े धो क्या रहे, देख कितना ठंड में कपड़े धोते हैं, और जूते के अंदर सारा पानी गए तो कितना ठंड लग रहा होगा। शादी शुदी होती ना जब, वो तुम्हारे यहाँ भी होता है एक रिवाज, मतलब क्या बोलते व्हाट इज दिस, देखो भाई क्या है यार ये, वहां से तो पता ही नहीं चल रहा था। अब देहरादून में क्या करते हैं क्या लोग, ये वीडियो स्पेशली देहरादून वालों के लिए है जो जाते हैं ना, बोलते हैं हिडन वाटरफॉल सीक्रेट वाटरफॉल। यहाँ देखो गाइस पूरा बर्फ और झकास। हाँ, वो मेल्ट हो क्या रहे, बहुत ठंडा लग रहा है। ठंडा तो लगेगा बर्फ में चल रहा तो। A few moments later। पहाड़ी भी होगा तो ऐसे थोड़ी है कि तो बहुत ठंडा हो गया रे। यार शूटिंग करने के लिए मस्त है यार ना। मेरे को एक बात बता, लोग बर्फ में जाने के लिए इतना क्यों तरसते हैं? हैं? कैसे बर्फ में जो चीजें आसानी से मिलता नहीं उस चीज के लिए लोग तरसते हैं। कि रास्ता कितनी दूर तक है, कितना लंबा रास्ता है, तो अभी आपको दिखाते हैं बेटा। सूरज बुरा रुक जा, मैं सीधे गिरूंगा ना तो उतने नीचे जाऊंगा। गाइस आप नीचे देख सकते हैं कितना नीचे है, सीधे जाऊंगा मैं नीचे रोले। ये भी एक टास्क ही है इसमें चलना। क्या है इधर देखो आप, ये सूरज बोरा नेचुरली ऐसी है, पता नहीं यार मेरे तो आंखें चौंधी आ गई है देखते, इतने नीचे आ गए हैं। इसके पल्ली पार है गांव, तो अब गांव दिखना बंद। बरसात के टाइम पे यहाँ पे आता है एक हिडन सीक्रेट वाटरफॉल है, ये सिर्फ बरसात के टाइम पे आता है। इस गांव पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, क्यों सूरज? अरे ये वही जगह है ना जहाँ तूने वीडियो बनाए थे कि यहाँ पे भूत रहते हैं, सच में रहते हैं इधर भूत? यहाँ ऊपर से एक औरत गिरी थी। सूरज ने बोला मुझे अभी ये पहाड़ी के ऊपर से एक औरत घास लेने के लिए गई थी कुछ साल पहले, और वहाँ से वो गिर गई थी, तो उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। तो इस एरिया में रात को जाना, मतलब ऐसे लगता है कि इस एरिया में रात को नेगेटिव एनर्जी रहती है, मतलब यहाँ के ऐसे है कि यहाँ पे रात को भूत रहते हैं, ये लोग ऐसे बोलते हैं। एंड कल रात को जब हम आ रहे थे 8 बजे,
तो ये बता रहा था मुझे। सो गाइज ये हैं डिफ़िकल्ट रास्ते, यहाँ पे हमें बहुत तेज़ी से आना पड़ा बिकॉज ऊपर से जानवर वगैरह पत्थर गिरते हैं, तो ऐसे वाले पहाड़ हैं एकदम खड़े खड़े, पेड़ पौधे बहुत कम हैं। अरे देखो गाइज बहुत ही ज़बरदस्त। और जरा भी पैर फिसला सीधे धौली गंगा में, गंगा में ऋषिकेश है। ये देखो यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, बराबर चलना है। यहाँ सबसे भयंकर है ये वाले पहाड़। अब यहाँ पे भी हमें तेज चलना है जहाँ पे वो पत्थर गिर रखे ना सूरज, इधर भी भयंकर ही है सीन। सामान लेने आते होंगे ना बाजार, तो पूरा एक दिन लगता होगा, मतलब बाजार जाने के लिए अलग से दिन निकालना पड़ता होगा। आज तो बाजार जाएंगे। ओए कंटेन मिल गया, कंटेन मिल गया, कंटेन मिल गया। भाई गाइस वो देखो पत्थर गिर रहे हैं, नहीं दिख रहा उस साइड गिर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे सूरज लोग यहाँ से जैसे इन्हें कुछ बड़ा सामान ले जाना है, बेड वगैरह ले जाना है या कुछ भी, घोड़े वगैरह भी कैसे जाएंगे इस रास्ते में। देखो गाइस यही रास्ता है लिटरली, इसमें चलने में तो वैसे चलने में पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है, तो सामान के साथ कैसे जाना होगा। ये देखिए मतलब बहुत ही वैसे रास्ता यार, एकदम इतना 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 पतला रास्ता है। ये देखो और यहाँ से ये देखो गाइस, यार मेरी तो ढंग से फट रही है ये। अब यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया था तो इन्होंने तोड़ा है खुद ही। पहाड़ वगैरह ना यहाँ सब वीडियो में ही अच्छा लगता है, जो यहाँ के लोग हैं या जैसे हम लोग आते हैं कि बर्फ़ देखनी है ये है वो है, जो यहाँ के लोग हैं ना उनको पता है कि यहाँ जीने में कितनी डिफ़िकल्टीज आती है, मतलब यहाँ जीना आसान नहीं है गाइज, बहुत ही टफ है। तो मतलब एक दो तीन साल में तो इधर रोड पहुँच ही जाएगी घर तक, पूरा मार्किंग वगैरह हो गया है, पता नहीं काम कहाँ से स्टार्ट होगा। ये पुल दिख रहा होगा यहाँ से आएगी रोड पूरा, आगे वाले पुल से रोड बनना स्टार्ट हो गया है। इसके पल्ली तरफ है जहाँ बर्फ़ गिरी है, वहाँ एक गांव, वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं इन पहाड़ों पे। एंड अमेजिंग ब्रिज हिल रहा है गाइस। अब दूर से जाना आलू डाले गए, आलू बॉइल करके वो ऐसे इसको कर देंगे तीन पे, इसमें ये बाजार छोटा सा ही बाजार इधर। ये मेडिकल शॉप और कैंटीन।